सूरत में कारगिल विजय दिवस पर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि। पालिका द्वारा बनने वाले शहीद स्मारक में दी जाएगी कारगिल युद्ध की झलक। राधा कृष्णा मंदिर का निर्माण, वेशु में 21 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा इस्कॉन मंदिर। 15,000 वर्ग फुट में 42 कमरों का गेस्ट हाउस। कोरोना के पहले जैसी स्थिति में पहुंचा सूरत एयरपोर्ट, अब 50 फ्लाइट होने लगी संचालित। हर महीने 1,00,000 के करीब यात्रियों का हो रहा है आगमन। निजीकरण की कीमत चुकाएंगे ग्रांटेड कॉलेज के 5,000 छात्र। निजी विश्वविद्यालय में देंगे 23,75,00,000 अधिक फीस। इस बार दीपावली, छठ पूजा और लगन मुहूर्त नवंबर में होने से अभी से फुल हो गई यूपी बिहार की 60 ट्रेनें। 100 से 200 तक की वेटिंग। गुजरात के चर्चित गुमशुदा केस की गुत्थी सुलझी। इंस्पेक्टर पति ही निकला स्वीटी पटेल का हत्यारा। कांग्रेस नेता की मदद से शव को ठिकाने लगाया था। सूरत में 19,57,000 रुपए के शराब मामले में वांटेड लिस्टेड बुटलेगर कैलाश मारवाड़ी गिरफ्तार। सूरत में साड़ी पर जॉब वर्क का काम करा के एक व्यापारी ने की 6,61,000 रुपए की ठगी। गुजरात में मानसून की झंडी, राज्य के 88 तहसीलों में जोरदार बरसात जारी। अब तक हुई सीजन की 30% बारिश, 30 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान। यूपी चुनाव, चाचा भतीजे का नहीं हुआ गठबंधन तो पीएसपी बिगाड़ सकती है एसपी का खेल। शिवपाल ने शुरू की तैयारी। किसानों का मिशन यूपी शुरू, बकाइयों का ऐलान। दिल्ली की तरह लखनऊ के चारों तरफ डेरा डालेंगे किसान। सीएम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में बोर्ड ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून पर फिर से विचार करे सरकार। यूपी में मुलायम नहीं योगी की सरकार है, इससे घर गिराना आसान है। पीड़ित ने एसपी से लगाई न्याय की गुहार। उत्तर प्रदेश में लोगों ने पेश की मिसाल, 100 साल पुरानी ईदगाह को हटाने के लिए समुदाय ने दी सहमति। दिल्ली में प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन उड़ाने पर ड्रोन को मार गिराने का आदेश, गृह मंत्रालय ने एसओपी लागू की। दिल्ली में कोरोना से पति की मौत के बाद 791 महिलाएं हुए बेसहारा, मदद देगी केजरीवाल सरकार। दिल्ली पुलिस को आशंका, यूएस विदेश मंत्री का घेरावा कर सकते हैं किसान। एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ी। जिस ट्रैक्टर पर संसद पहुंचे थे राहुल गांधी, उसे पुलिस ने कब्जे में लिया। हिरासत में लिए गए नेता को रिहा किया गया। भ्रष्टाचार केस, दिल्ली के पूर्व विधायक मंजीदर सिंह सिरसा के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी। विदेश यात्रा पर लगी रोक। डर्टी पिक्चर के खेल में एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी से फिर होगी पूछताछ। पीएनबी के एक बैंक खाते पर क्राइम ब्रांच की नजर। मुंबई बेंगलोर राजमार्ग तीसरे दिन भी यातायात के लिए बंद। कर्नाटका जा रहे करीब 2000 वाहन फंसे। महाबाढ़ की चपेट में महाराष्ट्र, मानसून के कहर से अब तक 228 लोगों की मौत। 21 जिले भारी बारिश से प्रभावित। सीएम उद्धव ठाकरे ने अपना जन्मदिन भी नहीं मनाया। महाराष्ट्र में एक महिला वकील ने 2 अन्य वकीलों पर बलात्कार का आरोप लगाया, वकीलों के खिलाफ केस दर्ज। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने संगाली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया दौरा। बचाव दल की नौक में सवार हो जाना पीड़ितों का हाल। महाराष्ट्र बाढ़, डिपो मैनेजर ने निभाई ड्यूटी। सरकार के लाखों रुपए बचाने के लिए बस की छत पर बिताए 7 घंटे।